अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और जहाँ पर भी होंगे बहुत खुश होंगे। आज मैं सफ़ाई कर रही थी और मुझे नज़र आई अपनी ये कुछ पेंटिंग्स। ये देखें, ये मैंने ना बहुत पहले बनाई थी तो ये सारी मेरे पास पड़ी हुई थी, तो वो मैं सफ़ाई कर रही थी तो उसमें से मुझे नज़र आई तो मैंने कहा चलो इसको सेट करके रखते हैं, क्योंकि ये ऐसे बिखरी पड़ी थी सारी, तो मैंने कहा चलो सेट करते हैं और वीडियो भी बना देते हैं। ये देखिए, ये मुझे इतनी पसंद थी, सबसे ज़्यादा मुझे ना ये पसंद आई थी, लेकिन ये जब मैंने कैनवस पे बनाई तो मेरे से अच्छी नहीं बनी थी, लेकिन ये साड़ी मुझे पसंद थी तो मैंने ये रखी हुई है। बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी थोड़ी। अच्छा, जब मैं ना सफाई कर रही थी तो मुझे एक फ़ाइल भी मिली अपने बाबा की, वो ये ना खाली पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलो ये भी यूटिलाइज़ कर लेते हैं। इसमें मैं अपनी कुछ पेंटिंग्स रखती हूँ और एक ये फ़ोटो फ्रेम पड़ा हुआ था, इसमें भी मैं अपनी कोई पेंटिंग लगाऊंगी, क्योंकि हमारे घर ऐसे पिक्चर तो डेवलप करवाता नहीं है कोई, तो इसमें फोटो कोई मेरी पेंटिंग लगा दूँगी छोटी सी। और इसमें मैं सोच रही हूँ मैं अपनी लगा दूँ पेंटिंग वगैरह, ये जो मैंने की हुई है यही वाली पेंटिंग्स लगा देती हूँ इसमें, और जो फ़ोटो फ्रेम है उसमें भी पेंटिंग लगा दूँगी। लेकिन इसमें मुझे ना होल्स करने पड़ेंगे, तो उसके लिए ये मेरे पास मशीन पड़ी है, मेरी नहीं है ये, भी मेरे बाबा की है, ये अलमारी में पड़ी थी, मैंने कभी यूज़ नहीं की है और मुझे समझ भी नहीं आ रही अब ये कैसे यूज़ होगी। मतलब प्रेस करना तो मुझे पता है कहाँ से प्रेस होना है, लेकिन कहाँ से सुराख करना है उसका तो वो मुझे नहीं पता कहाँ से होगा, तो चेक करते हैं। इससे एक छोटी सी मिलती होती है ना जो सिंगल, वो तो मैंने की हुई है इस्तेमाल, लेकिन इसका मुझे समझ नहीं आ रही। चले इस तरह रख के इसको इस्तेमाल करके देख लेते हैं। अच्छा, मैंने कभी इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल नहीं की तो बिल्कुल मुझे समझ नहीं आ रही। ये मैंने एक सिर्फ बैकग्राउंड बना के रखा हुआ है, आगे मैंने कुछ बनाया नहीं है इसका, तो ये मैंने ना जिस दिन मुझे मेरा दिल किया उस दिन मैं बना के देखूँगी। पहले इसी पर ट्राई करते हैं ताकि ख़राब हो तो यही हो। अच्छा, मैं जिधर से कर रही हूँ उधर से हो नहीं रहा, क्योंकि मुझे या मैं पेज गलत रख रही हूँ, समझ नहीं आ रही कि कैसे इसमें लोग सुराख कर लेते हैं, मुझसे नहीं हो रहा सुराख, क्या करूँ मैं। इसको पीछे पीछे में भी कुछ हो, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं थोड़ी सी, समझ नहीं आ रही मुझे, लेकिन मैं आज करके रहूँगी। मुझे कुछ ना मिल रहा हो ना तो मैं पता क्या करती होती हूँ, पिक्चर्स लेती होती हूँ, किसी बीच कोई चीज़ ना चल रही हो उसकी पिक्चर लो, उसको स्कैन करो और फिर उसके बाद गूगल शो करा देता है आपको। तो इसको मुझे लगता है मुझे वही काम करना पड़ेगा, ये मेरे बस का काम नहीं है, तो इसको मैं चेक करती हूँ उसी तरह। अच्छा, ये तो मुझे समझ आ गई है थोड़ी सी कि गंद निकलना कहाँ से है, लेकिन कैसे होगा ये बिल्कुल समझ नहीं आ रही मुझे। और पीछे से बच्चों ने इतना शोर मचाया हुआ है, सही शोर मचा रहे हैं बच्चे, तो ये गली के बच्चे हैं हमारे जो खेल रहे हैं, और हमारे यहाँ पे ना मैं बिल्कुल ड्राइंग रूम में बैठी हूँ तो यूँ करीब ही है, तो वो समझ आ गई मुझे ये इस तरह होगा, इसको यहाँ रखना है और फिर उसके बाद यूँ प्रेस कर देना है, तो ये हो गया बस, ये सही था, मज़े का था ये, तो मुझे मज़ा आया ये करके, ये काम मज़े का है वैसे, ये तो बंदा सारा टाइम बैठ के यही कर ले, इतने मज़े का सेटिस्फाइंग सा है ये। ये जो मैंने सबसे पहले ख़राब करने का जिसको सोचा था तो ये मैंने कर लिए हैं, ऐसे ही हम बाकी भी कर लेंगे और सबको थोड़ा थोड़ा काट लेंगे, और जब ये निकलेंगी ना तो ये बड़े मज़े की है, जो गोल गोल जो होल्स निकल रहे हैं ये बहुत खूबसूरत लगेंगे वैसे, लेकिन अब मैं अभी निकालूंगी नहीं, अभी ना मुझे समझ नहीं आ रही सही लेंथ इसकी कैसे सेट करेंगे, मतलब ना वो थोड़ा सा मेरा पीछे कट लग गया, देखें नज़र आ ही रहा होगा आपको। मुझे इस काम में इतना मज़ा आ गया ना कि अब मैंने ना पेंटिंग बना के ना यही काम किया करने की, इसी के अंदर डाल के रखती हूँ, किसी को नहीं दिया करने। ये इस पेंटिंग का मैं ना आपको एक वाक्या बताती हूँ, ये जो मैंने बताया ना कैनवस पे मैंने बनाई थी, ये मुझे बहुत पसंद आई थी, जो मेरी सबसे बड़ी बहन है ना उसका घर बना था, तो मैंने कहा चलो उसके लिए ना कैनवस पेंटिंग बना के लेके जाते हैं। अब मैं इतनी मेहनत की मैंने उसके ऊपर, वैसे मैं पेंटिंग बनाने में ना तकरीबन मुझे 1.5 से 2 घंटे लगते हैं, ये सारी पेंटिंग्स मैंने ना जो थोड़ी मुश्किल है वो 1.5 से 2 घंटे में बनाए हुए हैं, लेकिन
पेंटिंग को मैंने इतना टाइम लगाया, इतना टाइम लगाया, और मैं तकरीबन 7-8 घंटे मेरे उसको लगे, ठीक है। और जब मैंने उनको ले जा के दी ना, तो उन्होंने मतलब जब उन्होंने उनको दिखाई थी ना, तब मैं उधर नहीं थी, मेरी बहन ने दिखा दी, ठीक है। उसका रिएक्शन तो मैं देख नहीं सकी, लेकिन जब मैं ना उधर ही थी तो उनके घर काम वाले लगे हुए थे, ठीक है। तो जो मेरे बहनों ही है ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना उसी वो जो काम वाला था उसको कहा कि इसका इसके लिए भी जगह बना दो ना। तो उसने पेंटिंग देखी, वो पेंटिंग देख के कहता है, भाई अगर तुमने लगवानी है तो कोई अच्छी चीज़ लगवाओ ना, ये कौन सी चीज़ लगवा रहे हो। मुझे इतना दुख हुआ, सही ज़्यादा दुख हुआ। मैंने कहा अल्लाह यार, इसने मेरी पेंटिंग को इतना बुरा कहा है। तो फिर मैंने उन्होंने रखी हुई है अपनी अलमारी के अंदर, रखी हुई है, लगाई नहीं है उन्होंने। लेकिन उसके बाद से मैंने आज तक अब फिर कभी किसी को बना के नहीं दी। इवन मैंने ख़ुद भी लगाने के लिए कभी नहीं बनाई, ऐसे छोटी छोटी बनाती रहती हूँ और ऐसे ही बस। और शुरू शुरू में मैंने ना एक सीखने से पहले, ये सारा कुछ सीखने से पहले ना, मैंने एक दफ़ा बनाई थी, वैसे ही मेरा दिल किया था, तब मैंने एक बनाई थी, वो उसमें मैंने कैलीग्राफी की थी। लेकिन फिर मैं ना कैलीग्राफी का ये था कि इनको तो मैं फेंक देती हूँ, इधर उधर फेंक देती हूँ, या कोई मुझे ना पसंद आए तो फेंक देती हूँ, तो वो फेंकी नहीं जाती ना फिर, इसलिए फिर मैंने वो ज़्यादा नहीं बनाई, मैंने वो थोड़ी सी बनाई थी, और फिर वो मैंने ना अपने पास रखी हुई है। और अब ये फ़ोटो फ्रेम रह गया, बाकी तो मैंने सारी वो लगा दी। अब इसका मैं ये जो ग्लास है ना, तो बहुत गंदा हुआ है, इसको टिश्यू के साथ साफ़ करती हूँ, टिश्यू और पानी के साथ, तो ये साफ़ हो जाएगा। फिर उसके बाद इसको मैं कोई अपनी पेंटिंग लगाती हूँ। पेंटिंग तो मैंने एक रखी है छोटी सी, जो इसके नाप की थी मैंने रखी है। इसके उसके ऊपर मैंने ना पता क्या करना था, उसके ऊपर मैंने सोचा था कैलीग्राफी करूँगी, लेकिन फिर मैंने नहीं की। ये इसके ऊपर मैंने सोचा हुआ है कि मैं ना इसके ऊपर कैलीग्राफी करूँगी, लेकिन फिर मैंने की नहीं है, लेकिन करूँगी इसके ऊपर, मुझे मज़े की लग रही है अब ये इसके ऊपर लगने के बाद। और अब मैं बनाने लगी हूँ बिरयानी। तो बिरयानी के लिए ये मैंने कुछ चिकन धो के रखा है, और ये सही ज़्यादा सारी मैंने ना प्याज और लहसुन रख लिया है। और एक साइड पे मैं अपने हमारे लिए मतलब हमारे लिए अलग से बिरयानी बनेगी, एक साइड पे मेरे बाबा के लिए अलग से बनेगी, मतलब उन वो बिरयानी नहीं खाते तो उनके लिए अलग से पुलाव बनाऊंगी मैं, अपने लिए हमारे लिए बिरयानी बनेगी। और हमेशा ऐसा होता है कि जब भी हम लोगों ने बिरयानी बनानी होती है, मेरे अबू कहते हैं नहीं बिरयानी नहीं बनानी, पुलाव बना लो, तो हमारा फिर पुलाव का इरादा बन जाता है। तो आज फिर हम बिरयानी बनाने लगे हैं, और अबू के लिए पुलाव बना रही हूँ मैं। ये थोड़ा सा इसमें मैंने चिकन डाल दिया, और जो वो है उसमें मैं अभी उसका प्याज फ्राई कर रही हूँ, उसमें मैंने अभी भी डाला है, तो ये बस जल्दी जल्दी बन जाए। और हमेशा ऐसा होता है बिरयानी जब बन रही होती है ना, वैसे किसी को भूख लगी हो या ना हो, लेकिन जब बिरयानी बन रही होती है ना तो सबको भूख लग जाती है, और जब तक बिरयानी बनती रहती है सारे आगे पूछते रहते हैं कितना टाइम है कितना टाइम है। मेरी वैसे बिरयानी जल्दी बन जाती है, क्योंकि मैं प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करती, खड़ा खड़ा रखती हूँ। और ये मेरे अबू का जो पुलाव बनाया था मैंने, वो बन गया, और मैंने इसको टेस्ट कर लिया है, ये बहुत मज़े के बने हैं, जैसे मेरे अबू को पसंद है ना, मतलब खाने में नरम और देखने में खड़े खड़े, वैसे ही बने हैं और सही मज़े के बने हैं। और साथ में बिरयानी भी बन गई है मेरी, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, दोनों में साथ साथ बना रही थी। इस तरह की ये मेरी बिरयानी बनी है, और आज के लिए बस इतना ही। होपफुली आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।